ग्वालियर में VISM ग्रुप ऑफ स्टडीज परिसर में कैलाशवासी राजमाता विजयराजे सिंधिया की 19वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा रखी गई। श्रद्धांजलि सभा में पूर्व मंत्री ध्यान सिंह और पूर्व मंत्री माया सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस दौरान दोनों ने कैलाशवासी राजमाता विजयराजे सिंधिया के जीवन और उनकी शख्सियत के बारे में जानकारी दी। संस्था से जुड़े भारत ही नहीं बल्कि बाहर से एडमिशन लेने वाले छात्रों को भी राजमाता के बारे में जानने का मौका मिला, साथ ही कई चीजें सीखने को भी मिली। वहीं VISS संस्था के चेयरमैन डॉक्टर सुनील राठौड़ ने कहा, कैलाशवासी राजमाता विजयराजे सिंधिया एक सामान्य परिवार से थीं, इसके बाद भी वो ग्वालियर की महारानी बनी और फिर एक बड़ी राजनेता बनी। इस बारे में जानने के बाद छात्रों को भी काफी कुछ सीखने को मिलता है और कुछ कर दिखाने की प्रेरणा भी मिलती है। राजमाता के 19वीं पुण्यतिथि पर VISM परिवार की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई और आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके भाई माननीय मामा साहब ध्यानेंद्र सिंह जी और माननीय मामी साहब श्रीमती माया सिंह जी दोनों उपस्थित हुए और दोनों लोगों ने अम्मा महाराज के द्वारा किए हुए कार्य या किस तरह की वो प्रतिभा थी एक देश की शख्सियत के बारे में उन्होंने विधिवत बताया, जिससे कि क्या होता है कि हमारे इंस्टीट्यूट में कई राज्यों के बच्चे, केवल मध्य प्रदेश के नहीं, मध्य प्रदेश से बाहर भारत के कई राज्यों के बच्चे, इवन विदेशों के भी, नाइजीरिया से भी बच्चे हैं, भूटान से भी है, नेपाल से भी है, उन सारे बच्चों को राजमाता के बारे में और एक शख्सियत के बारे में जानने को मिलता है कि हर व्यक्ति राजमाता कोई पैदा नहीं हुई थी, राजमाता एक सामान्य परिवार में आके फिर वो ग्वालियर की महारानी और इसके बाद भारत की राजनीति में एक बड़ा नाम कैसे बनी है, जब बच्चों को सुनने को मिलता है तो कहीं कि थोड़ा बच्चों में भी लगता है कि हमें भी कुछ ऐसे अच्छे कार्य।